हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भाई कोई भी वेबसाइट, जो वेबसाइट की एक टेम्पलेट होती है, वो फास्टेस्ट तरीके से आप कैसे बना सकते हो। मान लो आपको अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी है, ठीक है ना, डिज़ाइन करनी है, तो सबसे यार तो चाहे स्टैटिक वेबसाइट हो चाहे वो डायनेमिक वेबसाइट हो, सबके लिए भाई एक टेम्पलेट तो लगती ही है। टेम्पलेट तो आपको बनानी होती है। कुछ टेम्पलेटें आप क्या कहते हैं भाई, नेट पर फ्री मिल जाती है, उनका यूज़ कर लेते हो ना। बट अगर आपको स्वयं से बहुत ही जल्दी एक टेम्पलेट बनानी है, और कई सारे तो यार लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट चाहिए होती है 5-6 पेजेस की, तो वो भाई इस तरीके के मेथड से आप बहुत ही जल्दी फास्टेस्ट तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और इस टेम्पलेट को आगे जाकर के आप डायनेमिक भी बना सकते हो किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का यूज करके। तो हम वेबसाइट को बहुत जल्दी बनाने वाले तरीके के बारे में जानने वाले हैं, कैसे आप जल्दी एक वेबसाइट टेम्पलेट जो है वो बना सकते हो। और यहां पर हम किसी भी तरीके का टूल का यूज नहीं करेंगे जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बनाने वाले हो। यहां पर हम हार्ड कोर जो कोडिंग का तरीका होता है वही यूज करेंगे, और हम बूटस्ट्रैप का भी नहीं यूज करेंगे। हम एक नए फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, सीएसएस के कई सारे फ्रेमवर्क होते हैं तो हम उसका यूज करेंगे। उससे बहुत ही ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट जो है वो होता है टेम्पलेट का। तो अगर हम यहां पर जाएं, आपको सबसे पहले गूगल में जाना है, लिखना है टेल विंड सी एस एस। आप ऐसा टाइप करोगे तो आपको यहां पर नाम मिल जाएगा। ये है भाई वो फ्रेमवर्क सी एस एस का, ठीक है ना। और इस सी एस एस के फ्रेमवर्क का यूज करके आप बहुत ही जल्दी जो है वेबसाइट की टेम्पलेट जो है बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। बूट स्ट्रैप की तरीके ही लगभग इसके भी सब कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें आप क्लिक करोगे यहाँ कोने पे डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाओगे स्टार्ट लर्निंग में। स्टार्ट लर्निंग में आप देखोगे इसका जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है, जिसमें जैसे कि आपको इंस्टॉल कॉन्फिगर करना है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस लिखा हुआ। अगर आपको बहुत मतलब कि स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल में चीज़ों को कस्टमाइज करना है, इसकी सी एस एस को भी कस्टमाइज करना है, तो आपको ये पूरा लोकली में आप इसे एन पी एम या नोड जी एस वगैरह का यूज़ करके कॉन्फिगर कर सकते हो। बट इतना हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं भाई सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या होगा। तो हम यूज़ करने वाले हैं भाई सी डी एन का। सबसे पहले क्या है, ये जो इसकी एक बेसिक टेम्पलेट है का कोड है, इसको हम यहां से जो है वो कॉपी कर लेते हैं। मैं अपना एक एडिटर खोल लेता हूं, मैं खोल लेता हूं सबलाइम। सबलाइम हमने खोला, और सब लाइन खोलने के बाद यहाँ पर जो है वो मैंने इसका जो बेसिक वाला कोड है ये कॉपी कर दिया। तो अभी जो टेल विंड की जो सी एस एस आप देखोगे, ये लोकल से यहाँ पे इसका लिंक लगा हुआ है, बट लोकल में हमें फाइल नहीं रखनी है, हमें इसका सी डी एन यूज़ करके वो फाइल को यहाँ पे इम्बेड करना है, तो वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो उसके लिए भाई आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हम इस फाइल को है जो एक सेव कर लेते हैं एस टी एम एल नाम से ही। मैं गया, मैंने सेव एस पे क्लिक किया। मैं बिल्कुल बेसिक वाला फंडा बता रहा हूँ, हालांकि एक फाइल यहाँ पे ऑलरेडी सेव है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर दी index.html, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर जो है वो फाइल सेव हो गई। अब ये हमें यूआरएल चेंज करना है, क्योंकि tailwind.css अभी हमारे लोकल पे नहीं, हमें सीडीएन का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर देखा जाके, आप और नीचे जाओगे तो आपको सी डी एन वाला यू आर एल जो है वो टेलविंड का मिल जाएगा। ये है आपका सी डी एन का यू आर एल। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते, बट जो हमारे एक टेम्पलेट डिज़ाइन करनी है उसके लिए परफेक्टली जो है वो आपका सी डी एन वाला काम जो कर देगी, क्योंकि आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी है। अगर फास्ट वेबसाइट बनानी, बहुत जल्दी वेबसाइट बनानी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप सीधे गए और सीधे आपने यहाँ पर, जैसे कि हम बूटस्ट्रैप वाले केस में भी करते हैं कि भाई आप सीधे गए, आपने बूटस्ट्रैप को सी डी एन से कॉल करा लिया और आपका जो है वो फाइल कॉपी हो जाती है। भाई ये गलत कॉपी हो गया था, इसको जरा हम फिर से कॉपी कर लेते हैं सही से। हमने किया भाई इसको यहाँ से कॉपी। ये एक बढ़िया तरीका होता है यार, आपको लोकल में क्या है ज़्यादा फाइल रखनी भी नहीं पड़ती है, और आपका जो काम है वो आसानी से हो भी जाता है। तो ये हमने अब इसको रिप्लेस कर दिया भाई सीडन वाले यू आर एल से। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाते हो ना, तो यार उस टेम्पलेट में मेजरली जो है वो तीन पार्ट में टेम्पलेट होती है। एक उसका होता है भाई हैडर वाला पार्ट, तो मैं यहाँ पर क्या है भी हार्ड कोर हैडर डिफाइन कर देता हूँ कि भाई कहाँ पर हमारा रहेगा हैडर, एच हैडर कोड हीयर, ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिखा। और इसको यहाँ पर हैडर को मैंने जब बंद कर दिया जा करके यहाँ पर इस तरीके से इंड हैडर, ये हमारा हेड वाला एक तरीके से पार्ट हो गया टेम्पलेट में हेडर का पार्ट। ऐसे ही भाई हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं भाई कंटेंट का। इसके बीच में अभी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपने करा कंटेंट, ठीक है ना, इसको भी हमने यहाँ पर हमारा कंटेंट एरिया जो है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में हम जाएंगे, ये हमारा होगा जाकर फूटर वाला, जो भी आपका फूटर होगा। और ये कोड आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सीधे आपका कॉपी पेस्ट से जो है वो काम हो जाएगा जाकर के। अब हमने यहाँ पर कर दिया फूटर। अब यहाँ इसके बीच में आपको हेडर का कोड कॉपी करना है, इसके बीच में आपको कंटेंट का कोड कॉपी करना है, इसके बीच में आपको फूटर का कोड कॉपी करना है। अब वो जो कोड है वो हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम भाई देखो यार फास्ट क्रिएट करने वाला, आपको कोड कुछ लिखना नहीं है, सारा बना बनाया आपको मिल जाएगा, बस उस कोड में ही आपको एडिटिंग करनी है। तो अब हम गए, आपको यहाँ पर जाना है गूगल में वापस से और लिखना है टेल विंड ब्लॉक। जैसे ही हम गए तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट गिटहब का पेज मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो टेम्पलेट है वो टेल विंड सी एस एस से ही
बनाई गई हुई, यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट आपको मिल जाएगी, चाहे वो आपको साइनअप का फॉर्म मतलब पेज बनाना हो, चाहे वो आपको कंटेंट का पेज बनाना हो, चाहे वो आपको कॉन्टैक्ट एस का पेज बनाना हो। देख रहे हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का भी, फीडबैक का भी पेजेस बने हुए हैं, कॉन्टेंट एरिया का देखो पार्ट बना। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए फूटर। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप सीधे यहाँ पर गए, नीचे आप ढूंढोगे जाके, ये आपका फूटर वाला पार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए हेडर, तो आप सबसे पहले ढूंढोगे जाके भाई हेडर एरिया कहाँ मिल रहा है आपको, जा करके यहाँ पर हम जा रहे हैं, ये आपको हेडर मिल रहा है। आप हेडर आपको देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट थीम के हेडर है, देखो एक ये हेडर आ रहा है, फिर आपका एक ये आ रहा है, ठीक है ना, फिर आपका ऐसे ऐसे करके कई सारे हेडर, जिसमें देखो बीच में लोगो आ रहा है, इधर लिंक वगैरह लगे हुए हैं ना। तो मैं अभी ये वाला जो हेडर है इसको यहाँ से ऐसे क्लिक किया, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू कोड पे। व्यू कोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारा कोड जो हेडर का है वो विजिबल हो जाएगा। इसको आप यहाँ से क्लिक कर लेना कॉपी टू क्लिप बोर्ड में। अब हम वापस अपने यहाँ पर एडिटर में गए, और जो हमने हेडर वाला सेक्शन बनाया था इसके अंदर जा करके वो कोड जो है वो आप कॉपी पेस्ट कर देना। तो ये आपका जो हेडर का कोड है वो तैयार हो गया। इसे हम रन करके भी देख लेते हैं। तो रन करने के लिए हमको नॉर्मली जाना है अपने डेस्कटॉप पर, और ये जो फाइल है इस पे हमें, ये हमने अभी क्रिएट करी थी फाइल, ये आपको दिख रही होगी, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हमारा फाइल है ये हमारी ओपन हो गई, और आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा एक हेडर वाला पार्ट है वो बन करके आ जा रहा है। यहाँ पर आप अपना लोगो सेट कर सकते हो, इमेज रिप्लेस कर सकते हो जो ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर अपनी आप वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, जो भी लिंक वगैरह है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जितने भी आपको लगाने हैं। और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। अगर मैं इसको छोटा करके देखूँ अभी, तो देख रहे हो आप ये जो है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के तरीके जो है वो काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो शिफ्ट होकर के नीचे आ जाती है। तो ऐसे करके ये जो है वो कॉन्सेप्ट इसका टेलविंड का है। अब हम यहाँ हमारा हेडर वाला पार्ट हो गया, अब हमें कंटेंट वाला पार्ट देखना है। तो कंटेंट वाले पार्ट के लिए क्या करोगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा भी ये कंटेंट वाला पार्ट है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के डिज़ाइन है, जैसा भी अगर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो या खुद के लिए एक नॉर्मल सी 3-4 पेज की स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, जो कि आप बहुत फास्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप किसी भी थर्ड पार्टी टूल का यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप भाई स्वयं से वेबसाइट बनाओ ताकि आप उसे कस्टमाइज कर पाओ जा करके, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। आप जैसा भी, जैसे मान लो आपकी यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया, थोड़ा सा उसके बारे में अबाउट सेक्शन आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में आ गया जा करके ना, तो ये जो टैम्पलेट अगर आपको यूज़ करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी तरीके की मान लो यहाँ पर आपके कंपनी का नाम रहे, थोड़ा ये रहे, और थोड़ा सा आपको फोटोज़ वगैरह भी लगानी है, तो आप इस तरीके के टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, और इन फोटोज़ के जो URL है उन्हें आप अपनी फोटो से रिप्लेस कर सकते हो। और देखो कितने सारे यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके की टेम्पलेट दी गई हुई है। तो मैं अभी ये पहली वाली यूज़ कर लेता हूँ, यही मुझे सही लग रही है। तो हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, और फिर नॉर्मल व्यू सोर्स कोड पर क्लिक किया, और आप यहाँ पर फिर से कॉपी टू क्लिप बोर्ड करोगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। फिर से हम एडिटर में गए, और हमारा जो ये मैंने कंटेंट वाला पार्ट बनाया था कि कंटेंट का कोड जो है वो यहाँ कॉपी होगा इसके बीच में, तो आप कंटेंट वाला कोड जो है वो यहाँ कॉपी करके डाल सकते हो। तो ये आपका कंटेंट एरिया वाला काम भी हो गया। अब हम इसका जरा सा आउटपुट देख लेते हैं चल के। तो ये जो हमारा फाइल थी खुली हुई थी, और ये आप देखोगे ये बीच का हमारा कंटेंट वाला पार्ट भी आ गया। आप देख लो सीधे बस कॉपी पेस्ट का काम है। उसके बाद मतलब आपको जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो कई बार अलाइनमेंट वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर आपको क्या पूरा कोड जो है बिल्कुल पक्का पकाया मिल रहा है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, और बस उस कोड में आपको अपने अपनी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिप्लेस कर देनी है, ज़्यादा कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। तो मतलब इसमें आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड कोर कोडिंग की नॉलेज भी जरूरत नहीं है, सीधे कॉपी पेस्ट करके जो है वो आपका काम हो रहा है। तो अब हम अगर और यहाँ पर देखो, हमारा अब हमारा लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है भाई फूटर की, जहाँ पर आपकी कॉपीराइट वगैरह का रहेगा जाकर सिस्टम। तो आपको देखो फूटर कई सारे डिज़ाइन मिल रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है उसमें बहुत सारे लिंक है कैटेगरी वाइज, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके देखो आप कितने सारे फूटर के डिज़ाइन है। मैं बहुत बेसिक वाला सिंपल सा चूज़ करता हूँ, जिसमें ये सब कम नाम लिख करके आ रहा, कॉपीराइट वगैरह लिखा, और यहाँ पर सोशल मीडिया वाले जो लिंक है वो लगे हुए। इसका मैंने यहाँ पर कोड जो है वो कॉपी कर लिया, यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, और मैं जाकर के इसको भी पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर मैंने ये फूटर वाले का लिखा था कमेंट करके, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से फूटर वाला स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से आपका कंटेंट वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसको भी मैंने कर दिया सेव, और हम जा करके यहाँ पर जब ब्राउजर में देखेंगे जा करके तो आप देखोगे आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल भाई साहब रेडी हो गई। अब आपको बस रिप्लेस मारना है चीज़ों का। आपकी जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में हेडर सेक्शन है, इस वेबसाइट में आपका फूटर सेक्शन है, और इस वेबसाइट में आपका बीच का कंटेंट एरिया सेक्शन है। ये कंटेंट एरिया आपको मान लो लॉगिन का पेज डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पर जाओगे, आपको लॉगिन के पेज मिल जाएंगे उसी कंटेंट वाले में। आप देखोगे यहाँ पर गए, मान लो ये तो फीडबैक का पेज आ रहा है, ऐसे करके आप यहाँ पर देखोगे जाकर तो यहाँ पर लॉगिन वॉगिन के सभी चीज़ों के जो पेज हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। आप यहाँ पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा लॉगिन के भी, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना। तो यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट जो है वो मिल जाएंगे, जैसा भी आपके रिक्वायरमेंट। जैसे साइनअप का अगर आपको पेज लगाना है तो यहाँ सीधे क्लिक किया, और आपको कोई साइनअप का पेज बनाना है व्यू कोड पे क्लिक किया, और एक ऐसे ही आप साइनअप की फाइल बना लोगे, और जो भी आपका आपका ना जो कंटेंट वाला पार्ट है उसको पूरा आप ये जो जो हमने हेडर वाले पार्ट, ये जो कंटेंट वाला पार्ट है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो
जो भी आपने अभी कोड कॉपी किया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वापस से। यहाँ पर हमने रिप्लेस किया, सेव करा, और आप देखोगे जा करके कि आपका भाई ये पेज बन चुका होगा, साइन अप वाला पेज बन गया। यहाँ पर आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आ गई है, आपका साइन अप का पेज डिजाइन हो गया। और इसे हम छोटा करके भी देखते हैं, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव, आप देख रहे हो कंटेंट जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है, कोई भी स्क्रॉल नहीं आ रहा नीचे किसी भी तरीके का। तो भाई ये जो है ये फंडा है आपका वेबसाइट को फास्ट बनाने का, ये एक बढ़िया तरीका है। इसको मैंने मतलब यूज़ करा है पर्सनली, जो जब मुझे बहुत ही ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट करनी होती है। तो ये टेलविंड सीएसएस के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, अगर आप इसमें जाओगे तो काफ़ी डिटेल में इसकी गाइड है। जैसे कि आपको अगर मान लो फ्लोट लगाने, तो यहाँ पर इसके कई सारे सिंटेक्स दिए हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे सीएसएस के अंदर प्री डिफाइंड सीएसएस कई सारी लगी है, जैसे टेक्स्ट ग्रे। तो इनकी जो ये जो आप सीडीएम से कॉल करवा रहे हो ना सीएसएस, इसके अंदर पहले से ही पूरी लाइब्रेरी बनी है, पूरी क्लासेस बनी हुई है। और वो क्लासेस कॉल करवा करके आप जैसे चाहे वैसे फॉन्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, अपने बॉक्सेस कस्टमाइज कर सकते हो, बॉर्डर कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट का फॉन्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो ना। तो इसके बारे में ही ये जो है ये पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ। अगर आप फ्लेक्स यूज कर रहे हो तो उसके बारे में आप क्या क्या उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें जाके कंटेंट के अलग कंटेंट अलाइनमेंट के बारे में, तो आप देख सकते हो उसमें क्या क्या क्लासेस दिए, ये इसकी क्लासेस। और उसकी क्लासेस करने यूज करने के बाद जो है वो आपका कुछ सीएसएस में इस तरीके का जो है वो मतलब प्रॉपर कोड होता है। अगर आप इतना छोटे से लाइन लिखोगे तो सीएसएस में आपका ये काम हो जाएगा। तो आप डिटेल एनालिसिस जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हो। और मेन आपका काम जो है वो भाई सीडीएन से सीएसएस को कॉल करवा कर आप किसी भी तरीके की जो टेम्पलेट है बना सकते हो। और उसमें अगर आपको टेम्पलेट में डिजाइन लेवल पर कस्टमाइजेशन करने हैं, तो आपको ये जो लेआउट के यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इसकी जो इसके क्लासेस दी हैं, जैसे कि बूट स्ट्रैप में होती है, उसको आप स्टडी वगैरह कर सकते हो और डीप लेवल में कस्टमाइज करने के लिए। वैसे अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, और तब भी आप थोड़ा सा इस तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो भाई आप खुद से ही पूरी वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो, तो भाई ये दो चीज़ें आप याद रखो, टेलविंड वाली सीएसएस पे जाना है और यहाँ से आप पढ़ सकते हो जाकर। और ये जो आपका जो मैंने एक ब्लॉक वाला दिखाया था आपको, उस ब्लॉक वाले से आप जो है वो सारा कोड यहाँ से, जैसे आपको ये ब्लॉक वाले दिखाए हैं, यहाँ से आपको हर तरीके के जो है वो एक बेसिक लेवल की टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए आपको सारा कुछ मटेरियल जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।